गए इस जंगल में, गूगल मैप ने थोड़ा धोखा दे दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज याना केव्स जाना है, याना जाना है और यहाँ पे हम स्कूटी रेंट करने वाले हैं 300 रुपए में। आज ये हमारे राइडर ओपी राइडर ओपी विदाउट वन रियरव्यू मिरर। प्रतीक जी इज द मास्टर नेविगेटर। लेफ्ट राइट खो गए हैं ना हम लोग। हाँ, हम खो गए इस जंगल में, गूगल मैप ने थोड़ा धोखा दे दिया। नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है, ना एयरटेल को है ना जियो को है। हाँ। कौन सा है तेरा? वोडाफोन? वोडाफोन में भी नहीं है, तो नेटवर्क नहीं है। तभी देख रहे हैं जो ऑफलाइन मैप चल रहा है थोड़ा। हाँ। तो ट्राई करते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर किसी को पूछना पड़ेगा। सही बात है। चलो, ये जंगल में ज़्यादा लोग तो आते जाते हैं नहीं। अन्ना अन्ना इंसानियत है ही नहीं ब्रो इस देश में। I'm kidding bro. अभी उल्टा ही चलना है। चलो चलो चलो। अभी हमने बाइक पार्क कर ली है और यान केव्स की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैक है, ऊपर नीचे सा है, लेकिन आई वुड नॉट एग्जैक्टली कॉल इट अ ट्रैक। हर जगह पर बेंचेस दिए हुए हैं बीच में, एंड ये थोड़ा फॉरेस्ट के बीच वाली जगह है। तो हाँ, ये थोड़ा ऑफ बीट प्लेस है। गोकर्ण आते हो तो भी गोकर्ण से काफ़ी दूर है, ये 1-1.5 घंटे की जर्नी है। दिस इज़ अ बिग रिवील। ओ माई गॉड, आई वोंट लाई, आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, बट व्हेन आई सी स्ट्रक्चर्स लाइक दिस काफ़ी मेस्मराइजिंग हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस इन इंडिया, इट्स वेरी एनकरेजिंग। और ऐसा लगता है कि यार अपने देश में भी बहुत सारी ब्यूटी है। ये बात सही है कि आप थाईलैंड फिलीपींस जाओगे तभी भी आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इसे इंडिया में देखना कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है, स्पेशल है, मुझे पसंद है ये सब। सुकून है यहाँ पे। सुकून है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मस्त है ऐसा, थोड़ा योगा कर लूँ। योगा करेंगे नहीं, लेकिन सही है प्लेस। जो केव्स है देखने लायक है। आप आओ और जरूर देखो। बाइक रेंट करके आना, रास्ते बहुत सुंदर है। रोड अच्छा। ट्रिप आपकी बहुत अच्छी होगी। आपको बस से आने का भी चांस मिलेगा, लेकिन वो इंजॉयबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ गैप्स है रॉक्स में, और फोटोज़ के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यार। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत सारे बैट्स हैं, और उसकी वजह से इतनी सी बदबू है कि मतलब 10 मिनट के अंदर आपका मन भर जाएगा, मन भी और नाक भी दोनों भर जाएंगे। फिर यहाँ से कट लेने का मन होगा। एग्जैक्टली। आज दूसरा दिन है और हम मुर्डेश्वर नाम के एक छोटे से टाउन में आ चुके हैं। ये टाउन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा के मंदिर है, और यहाँ पे देखो एक तालाब जैसा कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है, बट इसे बावली कहते हैं शायद। वैसे तो मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन ऐसे जगहों पर आने के बाद मुझे आर्किटेक्चर और इन टेंपलों की हिस्ट्री के ऊपर जो अप्रिसिएशन है वो बढ़ जाता है। लुक एट हाउ मैसिव दिस प्लेस इज। अच्छा, वाले का बिल्डिंग है भाई। हाँ, आराम से। भाई साहब क्या स्टैचू है यार, इधर ऊपर शिवा का स्टैचू है, एंड इट्स इनसेन, मतलब इट्स ह्यूज, बहुत मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ से देखते हैं तो काफ़ी लाइक अमेज फील होता है उस चीज़ को देखने से।
So there's actually a lift to go up these 18 floors, obviously. For 10 bucks. For 10 bucks? Yeah. ₹10 देकर लिफ्ट से 18वें माले पे आए हैं और ये है व्यू सामने का। ये वाला स्टैचू दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू है पीछे का। सो आई एम सेइंग इट्स वर्थ कमिंग टू दिस टेम्पल। इफ यू आर स्टॉपिंग बाय मुर्डेश्वर यू शुड कम एंड सी दिस प्लेस, इट्स अमेजिंग। Pro tip, if you're in South India, always order a thali. It's the most cheap and efficient food option. तो अभी मैं अपना lunch ख़त्म कर रहा हूँ इस view को देखते हुए, और ये video का end सिर्फ यही तक है। अगर आपको ये video पसंद आई तो like, share, subscribe ज़रूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली या दोस्तों में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको यहाँ पर आकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है और इस मंदिर को देखना है, इस मूर्ति को देखना है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिए। दिस प्लेस इज़ इन नॉर्थ कर्नाटका मुर्डेश्वर, भी यार आकर देख लो, ये बहुत अच्छी जगह है।